आम आदमी पार्टी ने जताई सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने देर रात सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। आतिशी ने लिखा, खबर आ रही है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारने वाली है, गिरफ्तारी की संभावना है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया पोस्ट। सुनने में आ रहा है गुरुवार की सुबह सीएम केजरीवाल के घर ईडी उनको गिरफ्तार करने पहुंचने वाली है। सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरे सवालों का दे जवाब। सीएम केजरीवाल ने ईडी के व्यवहार को बताया मनमाना और गैर पारदर्शी। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव और 26 जनवरी की तैयारी का दिया हवाला। केजरीवाल के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे ने की शिवसेना के नेता संजय राउत, कहा बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करे केजरीवाल ईडी से डरने वाली नहीं है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी किया केजरीवाल का सपोर्ट, कहा ओपोजिशन के अलायंस से बीजेपी डरी, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान, कहा ईडी के सवालों से बच रहे हैं। रांची में अवैध माइनिंग मामले में आधी रात तक चली ईडी की रेड। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के घर से ईडी टीम हुई रवाना। ईडी की रेड के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने की विधायक दल की बैठक। हेमंत सोरेन के सीएम बने रहने पर हुआ फैसला। हेमंत सोरेन ने मीटिंग में ईडी की रेड पर जिक्र किया, कहा बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डराना चाहती है। सभी विधायकों से एक हफ्ते तक रांची में रुके रहने के लिए कहा गया। बैठक में जेएमएम और सहयोगी दलों के 43 विधायक मौजूद थे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की झारखंड के गवर्नर से मांग, प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाएं। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति और भारत न्याय यात्रा पर होगी चर्चा। कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होंगे बैठक में शामिल। भारत न्याय यात्रा के रोड मैप पर होगा मंथन। दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मिलेंगी वाईएसआरसीपी चीफ वाईएस शर्मिला। विधानसभा चुनाव में शर्मिला ने कांग्रेस को किया था सपोर्ट। केरल के त्रिशूर में पीएम ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा इसका काम हमारी आस्था को चोट पहुंचाना। पीएम ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर साधा निशाना, कहा नारी शक्ति को कमजोर माना, महिला आरक्षण बिल को नहीं किया लागू। 10 जनवरी को असम जाएंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ले जाएंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में अजित पवार गुट के समर्थकों का प्रदर्शन। शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर कर रहे थे नारेबाजी। पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में लिया। एनसीपी नेता के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रोग्राम में भगवान श्री राम को बताया मांसाहारी, कहा राम मांसाहारी थे, वो भी मांसाहारी है, इसलिए राम उनके आदर्श है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान, राम मंदिर की आड़ में कर्नाटक में गोधरा जैसा कांड करवा सकती है बीजेपी। बीके हरिप्रसाद के गोधरा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीटी रवि ने बीके हरिप्रसाद के बयान की जांच की मांग की। बीजेपी नेता ने किया सवाल, कहा कांग्रेस नेता के पास इस योजना की जानकारी कहां से आई, उसकी जांच हो, कौन संगठन योजना बना रहा है, जांच से होगा खुलासा। पीएम मोदी ने अयोध्या की मीरा मांझी को पत्र लिखा। मीरा और उनके परिवार की तारीफ करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा साहिब के बेअदबी का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की होटल सिटी पॉइंट में हत्या, होटल का मालिक अभिजीत हत्या के आरोप में गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में इंस्पेक्टर हरिभान सिंह को मारी गई गोली, घायल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अलीगढ़ किया गया रेफर। पशुओं को लेकर दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद सुलझाने पहुंचे थे इंस्पेक्टर हरिभान सिंह, एक पक्ष की तरफ से चलाई गई गोली से हुए घायल। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम हुई, कई फ्लाइट लेट हुई। एमपी के ग्वालियर में घने कोहरे का असर, ट्रेन हो रही लेट, यात्री घंटों स्टेशन का कर रहे इंतजार। ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र से पास धमाका, अब तक 103 लोगों की मौत की खबर। करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुए धमाके, 141 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली खुफिया एजेंसी गुमसाद ने दी चेतावनी, 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 3 लोगों की मौत। पेंशन स्कीम को लेकर ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, हायर पेंशन स्कीम के तहत डिटेल अपलोड करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई गई। गेहूं उत्पादन का बन सकता है नया रिकॉर्ड, 2023-24 में 11,40,00,000 टन के गेहूं उत्पादन की उम्मीद। केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 62 रन बनाए, भारत अभी भी 36 रन आगे। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बनाया अब तक का नया सबसे कम टेस्ट स्कोर, पहली पारी में 55 रन पर ऑल आउट, जवाब में भारत ने बनाया 153 रन। भारत की तरफ से पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए, मुकेश और बुमराह को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज ने तोड़ा अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के टेस्ट में बेस्ट स्पिन फेंकने का कमाल किया।
साउथ अफ्रीका के लिए दो बल्लेबाज ही पहली पारी में रहा, एक आंकड़ा भी नहीं छू पाए। विकेटकीपर वीरेन ने सबसे ज्यादा 15 रन बनाए। भारत के लिए विराट कोहली ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 39 और शुभमन गिल ने 36 रन की पारी खेली। अच्छी शुरुआत के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी भारत की पारी, 7 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। सीनियर नेशनल जिमनास्ट चैंपियनशिप में दीपा करमाकर का जादू, टॉप पर बरकरार, पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर नजर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, परिवार के लोग भी मौजूद रहे। आमिर खान के बेटी आयरा खान की फिटनेस ट्रेनर नुपुर शुक्रे से शादी, देर से आए नुपुर ने जिम के ही कपड़ों में शादी के रजिस्टर पर किया साइन। नुपुर बाद में शेरवानी पहनकर आयरा खान के साथ सामने आए। आमिर खान के साथ नुपुर और आयरा के खिंचवाई फोटो।